नमस्कार साथियों। साथियों, कोरोना काल में सभी लोग अपना टीकाकरण कराने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन अगर कोई व्यक्ति विदेश में जाना चाहता है तो आने वाले समय में उसके जो सर्टिफिकेट पर है, यानी कि कोरोना का जो वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट है, उस पर उसकी पासपोर्ट की डिटेल अवश्य होनी चाहिए, क्योंकि बहुत सारे देशों में उसकी आवश्यकता पड़ती है। इसके साथ साथ जो विभिन्न आने वाली जो भी केंद्र की योजनाएं हैं, वहां पर भी इस सर्टिफिकेट की बहुत ज़्यादा अनिवार्यता है। अतः इस वीडियो में हम जानेंगे कि किस प्रकार से आप अपने जो सर्टिफिकेट को डाउनलोड कर सकते हैं, किस प्रकार से आप अपने सर्टिफिकेट में कोई करेक्शन कर सकते हैं, और साथ ही पासपोर्ट की डिटेल आप उसमें एंटर कर सकते हैं, ताकि आने वाले समय में आप आसानी से उसको डाउनलोड कर सकें और आपकी जो करेक्शंस हैं वो हो सकें। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं, और पहले आप चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो आपको सबसे पहले जो सेल्फ रजिस्ट्रेशन आपने किया हुआ है cowin.gov.in पर, यहाँ पर आपने इसको लॉगिन करना है, या तो ऐप से करें या फिर आपने इसको रजिस्टर जो भी वेब के थ्रू आप इसको कर सकते हैं। तो आप अपना फ़ोन नंबर डालेंगे और गेट ओटीपी आप करेंगे तो आपकी जो विंडो है वो ओपन हो जाएगी और आपका जो वो है खुल जाएगा। आपने अपनी ओटीपी जो है वो डाल देनी है और यहाँ पर आपको पेस्ट कर देना है अपना ओटीपी। तो आपके सामने इस तरह की विंडो आपके सामने आ जाएगी, और अब आप देखेंगे कि यहाँ पर आपके सामने एक ऑप्शन आ रहा है कि रेज एन इशू। हाँ साथियों, ये वाला जो रेज एन इशू, इसको आपने ओके करना है और आपके सामने ये पॉपअप आएगा, सर्टिफिकेट करेक्शन, मर्ज मल्टीपल डोजेज और ऐड पासपोर्ट डिटेल। ये तीन डिटेल आपके सामने हैं, तो इस तरह से आप इसको एडिट कर सकते हैं और जो ज़रूरी चेंजेस हैं वो आप इसमें कर सकते हैं। तो अगर हमें कोई सर्टिफिकेट में कोई आपकी डिटेल गलत है तो यहाँ पर जाकर के आपने इसको ओके करना है, करेक्शन इन सर्टिफिकेट को आपने यहाँ पर ओके करना है। और इसमें देखिए, वन टाइम आपकी ये सर्टिफिकेट की करेक्शन हो सकती है और इसमें कोई भी करेक्शन बाद में नहीं हो सकता। तो यहाँ से आप इसको करेक्ट करेंगे तो आपकी डिटेल आ जाएगी और जो भी चीज़ें आपने करेक्ट करनी है वो करेक्ट आप कर सकते हैं। इसके अलावा रेज एंड इशू में मर्ज मल्टीपल डोजेज, तो यहाँ पर ये भी आप कर सकते हैं, इन केस यू हैव मल्टीपल प्रोविजन सर्टिफिकेट फॉर डोज वन जनरेट थ्रू डिफरेंट अकाउंट्स, यू कैन मर्ज देम हियर टू जनरेट योर फाइनल वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट। कई बार कई डिफरेंट अकाउंट्स से आ जाता है, तो वो भी आप यहाँ पर कर सकते हैं, इसको मर्ज कर सकते हैं। तो ये पूरी डिटेल आप यहाँ पर डालेंगे और वैक्सीनेशन की जो भी है उसको मर्ज करके एक में आप आ जाएगा, और यहाँ डिक्लेयर करके आपने इसको सबमिट कर देना है। तो ये सबमिट रिक्वेस्ट हो जाएगी, तो कुछ समय बाद आपकी जो डिटेल है वो अपडेट हो जाएंगी। अब हमारा जो है तीसरा इशू है, जो मेन इशू बताया मैंने, पासपोर्ट डिटेल के आपको अपडेट करनी है। तो पासपोर्ट डिटेल के लिए आपने बिल्कुल ध्यान से रखना है कि यहाँ पर जो भी पासपोर्ट नंबर आप डालेंगे वो एक बार ही एडिट होगा। तो यहाँ पर पासपोर्ट डिटेल में आपने यहाँ से सिलेक्ट मेंबर कर लेना है, जो भी आपके इस नंबर से पूरे रजिस्टर्ड हैं उनको सिलेक्ट करके यहाँ पर आपने बेनिफिशरी का जो पासपोर्ट नंबर है उसको बड़े ध्यान से इसमें एंटर करना है। और ये चेंजेस आएगी, बी केयरफुल, इन्होंने पूरा नोट दिया गया है कि अगर आपने कोई गलती की तो इसमें कोई बाद में चेंजेस नहीं आएगा। और यहाँ पर आपने ओके करके यहाँ पर सबमिट रिक्वेस्ट कर देना है। तो साथियों, इस तरह से आप अपने पासपोर्ट के अंदर अपने सर्टिफिकेट के अंदर, कोविड सर्टिफिकेट के अंदर अपनी डिटेल्स को करेक्ट कर सकते हैं, पासपोर्ट की डिटेल आप ऐड कर सकते हैं, और आने वाले समय में आपको जो विदेशी यात्रा करनी है या कोई आने वाली जो भी योजनाओं में इस सर्टिफिकेट की आवश्यकता होगी उनका आप लाभ उठा सकते हैं। तो साथियों, वीडियो को शेयर करना ना भूलें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन को प्रेस करके इस वीडियो को शेयर कर दें, लाइक और सब्सक्राइब कर दें। थैंक यू।